एसएम इन्फोटेक के और एक टेक अनबॉक्सिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जेब्रोनिक्स का एक गेमिंग माउस का अनबॉक्सिंग करेंगे, जिसका मॉडल है जेब टेम्पेस्ट। अगर आप लोग गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ये माउस आपके लिए बेस्ट होगा। इस वीडियो में हम लोग इस माउस का अनबॉक्सिंग करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलता है वो देखेंगे, इसका आरजीबी इफेक्ट कैसा दिखता है वो देखेंगे, एंड लास्ट में मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगा कि ये माउस को आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं, एंड ऑल्सो मैं इसका प्राइस भी लास्ट में आपको बताऊंगा कि ये माउस आपको मार्केट में कितने प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप लोग गेमर्स हो, गेम खेलना पसंद करते हो, आरजीबी लाइट इफेक्ट्स आपको अच्छा लगते हैं, एंड आपको इस टाइप का माउस चाहिए जिस माउस में आपको बहुत सारे बटन्स मिल जाए, तो ये माउस आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तब भी आपको पता चलेगा आप जिस माउस के बारे में सोच रहे हो ये माउस वो है कि नहीं। तो आइए अब हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं एंड देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। इस बॉक्स के अंदर हमें सिर्फ एक आरजीबी माउस मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं इस माउस में हमें क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलता है। इस माउस का जो यूएसबी है ये गोल्ड प्लेटेड यूएसबी है, मतलब कनेक्टिविटी में आपका कोई भी इशू नहीं होने वाला है, एंड इसके साथ ऑल्सो जो वायर मिलता है ये वायर आपको 1.8 मीटर्स का मिल जाता है, अच्छा खासा दूरी में आप लोग आपका माउस को यूज कर सकते हो, एंड ऑल्सो ये आर्गोनोमिक डिजाइन के साथ आते हैं जो कि आपको होल्ड करने में एंड गेमिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा, आपका ग्रिप बहुत ही अच्छा बना रहेगा इस माउस में। एंड ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है, आपको इसको जस्ट आपका सीपीयू पे प्लग इन करना है एंड ये रेडी फॉर यूज हो जाएगा, आप लोग दिन इसको यूज कर पाओगे। इसमें टोटल आपको 8 बटन्स मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट और राइट क्लिक 2 बटन है, एंड स्क्रॉलिंग करने के लिए जो व्हील दिया हुआ है 3, एंड यहाँ पे एक देखिए 4, 5, 6, 7, एंड ऑल्सो पीछे एक बटन दिया हुआ है 8, एंड ऑल्सो इसमें आपको 5 कलर मोड्स देखने के लिए मिल जाता है। इसके पीछे जो बटन दिया हुआ है इसमें क्लिक करके आप लोग इसका जो कलर मोड्स है आरजीबी कलर का उसको चेंज कर सकते हो। इस बटन को प्रेस करके आप लोग इस 5 कलर मोड में स्विच कर सकते हो, जो फीचर्स इस माउस को बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। एंड इसका जो बटन है, इस बटन का लाइफ साइकिल 3 मिलियन क्लिक्स है, बहुत ही ज़्यादा लाइफ साइकिल है इसका, आप लोग बहुत सालों तक इस माउस को यूज कर पाओगे। अब मैं आपको इसका सारे जो लाइटिंग इफेक्ट्स है वो दिखाता हूँ। एंड देखिए पांचों मोड चेंज होने के बाद फिर से आप लोग क्लिक करोगे तो इसका आरजीबी लाइट टोटली ऑफ हो जाएगा, तो आप लोग अगर चाहो तो इसका आरजीबी लाइट को ऑफ भी करके रख सकते हो। एंड देखिए इसके ऊपर आपको एक डीपीआई बटन देखने के लिए मिल जाता है, इस डीपीआई बटन को क्लिक करके आप लोग इसका डीपीआई को अप टू 4200 डीपीआई तक ले जा सकते हो। आपका डीपीआई जितना हाई रहेगा उतना इस माउस का सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगा। मार्केट में ये माउस आपको 550 से 600 के बीच मिल जाएगा। आप बात करें मेरा ऑनेस्ट पर्सनल रिव्यू के, तो आप लोग डेफिनेटली ये माउस को परचेस कर सकते हो। अगर आपके पास ये बजट है तो आप लोग जरूर ये माउस में जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको गेमिंग माउस परचेस करना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस टाइप के और भी वीडियोज को देखने के लिए। थैंक यू।